झारखंड में इंडिया घटक दल को एक बड़ा मैंडेट मिला है, 56 विधानसभा सीट जीतकर अब जो है फिर से एक बार सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास में इंडिया घटक दल के जो चुनाव जीतकर जो विधायक आए हैं उनके साथ बैठक चल रही है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपने आवास से निकलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां सभी दलों के जो विधायक हैं जो चुनाव जीतकर आए हैं उनके साथ एक बैठक और चल रही है। इसमें देखेंगे तो लगभग 56 जो विधानसभा सीट है वो इंडिया घटक दल के पास है, और एक बड़ा मैंडेट मिलने के बाद अब जो है यहाँ इस बैठक की समाप्ति के बाद लगभग 4 से 5 बजे के बीच में सभी लोग एक साथ राजभवन जाएंगे, और वहाँ सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना दावा पेश करेंगे और अपने मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे, और फिर जो है राज्यपाल जो है नियमानुसार उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं चलेंगी। और ये राजभवन पर निर्भर करेगा कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन जो खबरें हैं कि मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, और इसको लेकर राजभवन भी अपनी तैयारी करेगा, और यहाँ से तमाम चीज़ को लेकर इंडिया घटक दल की भी अपनी तैयारी होगी। और इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, उनके लिए एक बेहतर खास मौका होगा, और ऐसे समय में सीट शेयरिंग को लेकर के मतलब कौन किन किन दलों से कौन मंत्री पद बनेगा तो देखेंगे। तो 81 विधानसभा क्षेत्र है, और उसमें जो नियमानुसार जो प्रतिशत है कि लगभग 12% जो है मंत्री बन सकते हैं, तो 81 में आप निकालेंगे तो लगभग 12 लोग बन सकते हैं, और यही वजह है कि इसमें जो इक्वेशन होगा आरजेडी से एक मंत्री बनाया जा सकता है, 3 जो है कांग्रेस से बन सकता है, और बाकी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बनाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ा मैंडेट मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ये देखेंगे झारखंड बने लगभग 24 बरस हुए हैं, इन 24 वर्षों में ये चौथी बार होगा जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे पहला मौका था जुलाई 2013 में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, और दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया था, लेकिन जो तमाम कई तरह के आरोप लगने के बाद जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो वो होटवार जेल जाना पड़ा, और उसके बाद जुलाई 2024 में वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया। तो ये चौथी बार होगा जब ये राज्य की कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालेंगे, और अपने अनुभव के आधार पर जिस तरह से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जिस तरह से भारी जीत मिली है, तो उसके लिए कल्पना सोरेन भी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं। सीएम आवास में बैठक चल रही है, और बैठक समाप्ति के बाद लगभग 4 बजे का जो समय होगा वो सभी लोग एक साथ राजभवन जाएंगे। एक साथ जाने का मतलब ये है एक शक्ति परीक्षण भी होता है, और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो झारखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, और आने वाला जो 5 साल होगा वो कैसे सरकार चलाएंगे ये तमाम तरह का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करेंगे। दरअसल आप देखेंगे कांग्रेस, आरजेडी, वामदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर अब आगे किस तरह से काम करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन तमाम चीज़ को लेकर मुख्यमंत्री तो बेहद खुश है ही, और पूरा परिवार भी बेहद खुश है, क्योंकि हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे।
समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार रांची।